खचरपुर नाम का एक गांव था जहां निकिता नाम की छोटी लड़की अपने पिता और भाई के साथ रहती थी। निकिता के पिता कुन्नू हलवाई थे। उनकी गांव में मिठाई की दुकान थी। निकिता का भाई मुरारी सुनार था। वो सोने चांदी के आभूषणों का व्यापार किया करता था। निकिता के घर नौकरानी काम करती थी, लेकिन निकिता स्कूल जाने से पहले अपने पिता और भाई को अपने हाथों से पराठा और ऑमलेट बनाकर देती। भैया, पिताजी, आपका देसी घी का पराठा और ऑमलेट तैयार है। अरे लाओ बेटी, फटाफट खा लेता हूँ, आज मुझे ढेर सारा काम है। भिखारी लाल सेठ के यहाँ कथा होने वाली है। उन्होंने 50 किलो मोतीचूर के लड्डू बनाने का ऑर्डर दिया है, और तुम्हारा जन्मदिन भी आने वाला है, जिसमें मुझे 56 भोग तैयार करवाने हैं। पराठे और ऑमलेट का स्वाद तो बिल्कुल माँ के हाथों के स्वाद जैसा है। ऐसा इसलिए है भैया, क्योंकि मैंने माँ से ही ऑमलेट और पराठे बनाना सीखा था। अब तुम स्कूल के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ। इस बार जन्मदिन पर मैं अपनी प्यारी बहन के लिए सोने के कंगन दूंगा। मुरारी मोटरसाइकिल से निकिता को स्कूल ले जाता था। रास्ते में विष्णु भगवान का मंदिर पड़ता था। निकिता हर रोज वहाँ पर रुकती थी और प्रसाद चढ़ाती थी। महिमा प्रभु है तेरी प्यारी प्यारी, जय जय नारायण नारायण हरी हरी। पूरा भजन मत गाओ निकिता, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। भगवान के सामने सच्चे दिल से सर झुकाना ही काफी है। निकिता की देखभाल घर की नौकरानी गीता करती थी। गीता आंटी, आपने 10वीं के बाद पढ़ाई क्यों छोड़ दी? मेरे पिता की मृत्यु के बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। मेरी माँ बीमार रहती थी, मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर सिलाई का काम शुरू करना पड़ा, लेकिन इसमें कमाई बहुत कम थी। फिर तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारी देखभाल का काम सौंप दिया और अच्छी सैलरी देनी शुरू की। आपकी वजह से मुझे अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होती। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो रोती, लेकिन तुम बहुत समझदार हो, इसीलिए मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ। शाम को कुन्नू घर लौटा तो निकिता ने उससे कहा, पिताजी, आज ज्योग्राफी में कंगारू के बारे में पढ़ाया गया। मुझे मेरे जन्मदिन पर कंगारू चाहिए। आप जाकर ऑस्ट्रेलिया से कंगारू ले आइए ना। अरे अब भला मैं ऑस्ट्रेलिया से कंगारू पकड़ कर कैसे लाऊंगा? अरे बेटा, निकिता जन्मदिन पर कंगारू मांग रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे आप शहर चले जाइए ना, किसी ऐसी दुकान पर जहां टेडी बियर बनते हूं, वहीं एक कंगारू ऑर्डर कर देना। निकिता के जन्मदिन पर नारायण जी के मंदिर के बाहर भंडारा किया गया। मुरारी ने निकिता को सोने के कंगन भी दिए। तुम घर पहुंचोगी तो तुम्हें तुम्हारा कंगारू भी मिल जाएगा। भंडारा खत्म होने के बाद निकिता ने इतने कंगन गरीबों को बांट दिए। अरे वो कंगन बहुत कीमती थे प्यारी बहन। मुझे उन कंगनों की जरूरत नहीं है भैया। किसी चीज में सार्थकता तभी है जब वो जरूरतमंद तक पहुंच जाए। मंदिर का पुजारी हरिदास था। हरिदास कई वर्षों से निकिता के जन्मदिन पर भंडारा होते देख रहा था। हरिदास की निकिता के पिता से भी अच्छी जान पहचान थी। कुन्नू हर वर्ष निकिता के जन्मदिन पर हरिदास को धोती कुर्ते का कपड़ा और कुछ रुपए दान में देता था। अरे धन्यवाद कुन्नू भाई, धन्यवाद। आजकल ब्राह्मणों को आप जैसे गिने चुने लोग ही दान करते हैं, वरना तो पुरानी परंपरा लगभग खत्म ही हो गई है। अरे आप ब्राह्मण हैं, इस वजह से मैं आपको दान नहीं करता। मेरी बेटी इस मंदिर में आती है, आप इस मंदिर की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, इसलिए मैं आपको दान करता हूँ। कुन्नू का जवाब सुनकर हरिदास तिल मिला गया, हालांकि उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। हरिदास अंदर से बेहद लोभी था, उसकी नजर कुन्नू की संपत्ति पर तो थी ही। हरिदास के 5 बच्चे थे, 3 लड़के और 2 लड़कियां। तीनों लड़के नकारा और निकम्मे थे। एक लड़की की शादी हो चुकी थी। छोटी लड़की रचना मुरारी की उम्र की थी। हरिदास चाहता था कि रचना का विवाह किसी तरह मुरारी से हो जाए। बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम कुन्नू के बेटे मुरारी से किसी बहाने बात करो। अगर उसकी शादी तुमसे हो गई तो उसकी सारी संपत्ति हमारे कब्जे में होगी। दोनों बाप बेटे अपना धन उस छोटी सी लड़की निकिता पर लुटा रहे हैं। पिताजी, मैं शहर के एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। मैं तुम्हें शहर वाले लड़के से शादी की इजाजत तभी दूंगा जब तुम मेरी बात मानोगी। बस मुरारी को फंसा कर उससे शादी की एक्टिंग कर लो। एक बार उसकी संपत्ति पर कब्जा हो जाए
फिर तुम उसे छोड़कर शहर वाले के पास चली जाना। अपने भाइयों के बारे में भी तो सोचो बेटी, उन निकम्मों से तो कोई काम होगा नहीं, किसी तरह उन तीनों के भविष्य का इंतजाम तो करना ही है ना। अपने पिता के कहने पर रचना मान गई। मैं तुझे कुछ अच्छी अच्छी धार्मिक बातें सिखा देता हूँ, तू इन्हें याद कर ले और इन्हें जाकर मुरारी से बोलना। अगले दिन सुबह को जब मुरारी निकिता को मंदिर में लाया तो रचना मुरारी के पास पहुंचकर उसके पैर छूने लगी। अरे अरे अरे, कौन हो तुम, ये क्या कर रही हो? मैं इस मंदिर के पुजारी की बेटी हूँ। मैंने 51 बृहस्पति वार का व्रत रखकर भगवान विष्णु से अपने लिए वर मांगा था। कल रात भगवान विष्णु मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि सुबह जो पहला पुरुष मंदिर में आएगा वो मेरा अवतार होगा और वही तुम्हारा पति होगा। भगवान ने तुम्हें सपना दिया होगा, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं कहा, फिर मैं तुम्हें अपनी पत्नी कैसे स्वीकार कर लूं? सब ईश्वर की लीला है, परमात्मा चाहते हैं कि आप और मैं मिले, वरना आज सुबह आप सबसे पहले पुरुष के रूप में मंदिर में नहीं आते। आपकी मोटरसाइकिल खराब हो जाती या आप लेट हो जाते या हो सकता है कि कोई और बात हो जाती। ईश्वर की मर्जी को स्वीकार कीजिए, फैसले लेने वाला सिर्फ वही है, आप नहीं। रचना की धार्मिक बातों का मुरारी पर असर हुआ। रात में जब वो घर पर पहुंचा तो उसने अपने पिता से रचना के बारे में बात की। अरे अगर लड़की तुम्हें पसंद है तो मुझे कोई परेशानी नहीं, तुम उससे शादी कर सकते हो। अगले दिन कुन्नू ने पुजारी से बात की और मुरारी और रचना की शादी तय हो गई। उनका चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया गया। निकिता अपनी भाभी के घर आने पर बहुत खुश थी। ये देखो भाभी, मेरा कंगारू, मैं अपना लेसन याद करके इसे ही सुनाती हूँ। कंगारू तो बहुत अच्छा है, तुम स्कूल से कितने बजे लौटती हो? मैं स्कूल से 3 बजे लौट कर आती हूँ। अगले दिन निकिता, मुरारी और कुन्नू तीनों जब घर से चले गए तो निकिता नौकरानी से बोली, गीता आंटी अब आप घर जाइए, बाकी का काम मैं कर दूंगी। गीता के जाने के बाद रचना घर में अकेली रह गई। उसने अलमारी खोलकर मुरारी और कुन्नू की पासबुक, दुकान, जमीन, मकान के कागजात चेक किए। रचना ने निकिता के कंगारू को भी गोद में उठा लिया। कंगारू की गोद से सोने के कुंडल निकले। ये लड़की अपनी सोने की चीजें कंगारू के गोद में रखती है, बहुत चालाक है। रचना ने सारी जानकारी फोन करके अपने पिता को बता दी। पिताजी माल तो बहुत है, लेकिन ये आपका कैसे होगा? बेटी मुझे मुरारी के पूरे परिवार को गायब करना होगा, फिर घर की बहू होने के नाते सारी चीजों पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा, फिर तुम सब कुछ हमारे नाम कर देना। मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ। कार्तिक मास की एकादशी पर गंगा किनारे एक मेला लगा करता था। एक दिन रचना ने मुरारी से कहा, सुनिए एकादशी पर हमारे पूरे परिवार को गंगा स्नान के लिए चलना चाहिए, मैं हर साल वहाँ जाती हूँ, मेला भी घूम कर आएंगे। ठीक है चलेंगे। जिस दिन मुरारी के परिवार को मेला जाना था उस दिन सुबह को निकिता को बुखार आ गया। निकिता को बुखार है, मुझे नहीं लगता हमें मेला जाना चाहिए। बुखार ज्यादा तेज नहीं है, गीता आंटी इसे टाइम पर दवा देती रहेंगी, आप मैं और पिताजी चलते हैं। अरे गीता निकिता का ध्यान रखो, इसे अकेले मत छोड़ना। रचना मुरारी और कुन्नू गंगा किनारे पहुंचे। पहले आप दोनों लोग नहा कर आइए, फिर मैं नहाने जाऊंगी। मुरारी और कुन्नू गंगा में नहाने लगे। रचना के तीनों भाई और पिता भीड़ में छुपे हुए थे। छुपते छुपाते वे मुरारी और कुन्नू की टांगों तले पहुंच गए और उन दोनों को गंगा के अंदर खींच लिया। फिर हरिदास और तीनों भाई निकिता के घर पहुंचे। अरे लड़की तेरे पिता और भाई गंगा में बह गए, अब ये घर दुकान सारी संपत्ति हमारी है। गीता इस लड़की को लेकर निकल जा, वरना इसे भी वैसे ही गायब हो जाना पड़ेगा जैसे इसके पिता और भाई हो गए। चार मर्दों के सामने गीता अकेली क्या करती? तुम्हें संपत्ति मिल गई ना, अब इस लड़की को कोई नुकसान मत पहुंचाना, इसका कंगारू दे दो या वो भी नहीं दे सकते। ये ले तेरे खेलने के काम आएगा, अब निकल जा। गीता निकिता और कंगारू को अपने गरीब घर ले गई।
मेरे भैया और पिताजी कहाँ गए? आंटी, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। नारायण जी पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेंगे। अचानक एक शेषनाग गीता के घर में घुस आया। शेषनाग ने कंगारू के फन मारा और कंगारू असली बन गया। फिर शेषनाग चला गया। अपने भाई और पिता की चिंता मत करो, हरी सब संभाल लेगा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग सकती हो, मेरी गोद में सब कुछ है। निकिता को चॉकलेटी केक निकाल कर दे दो। कंगारू ने अपनी गोद से एक बड़ा सा चॉकलेटी केक निकिता को दे दिया। तुम मुझसे सोना चांदी रुपए जो चाहिए मांग सकती हो। उधर मुरारी और कुन्नू गंगा किनारे पड़े हुए थे। गंगा से शेषनाग निकला और मुरारी और कुन्नू के फन मार कर चला गया। मुरारी और कुन्नू जिंदा हो गए। उन्होंने शेषनाग को गंगा में घुसते देख लिया। मुरारी और कुन्नू धन्यवाद देने सबसे पहले विष्णु भगवान के मंदिर पहुंचे। निकिता भी वहीं मौजूद थी। निकिता अपने पिता और भाई से मिलकर बहुत खुश थी। उसने हरिदास के बारे में सब कुछ मुरारी और कुन्नू को बताया। चिंता मत करो निकिता, रचना के पूरे परिवार पर मुकदमा किया जाएगा, कल सुनवाई होगी। अगले दिन सुनवाई में जज ने मुरारी और कुन्नू से पूछा, तुमने आरोप लगाया है कि हरिदास के परिवार ने मिलकर तुम दोनों को मारने की साजिश रची, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत या गवाह है? हमने इन चारों को अपनी आंखों से देखा था, इन्हीं ने हमारा मुंह दबाया था। ये झूठ बोल रहा है जज साहब। तभी रचना कोर्ट में दाखिल हुई। कन्नू और मुरारी ठीक कह रहे हैं, ये सब कुछ मेरा और मेरे पिता का किया धरा है। मैं शहर के एक लड़के से शादी करना चाहती थी। मेरे पिता ने कहा कि वो मुझे शादी करने की इजाजत तभी देंगे जब मैं मुरारी की संपत्ति पर उनका कब्जा करवा दूं। मुझे अपने कर्मों का फल मिल गया। मैं शहर के जिस लड़के से प्यार करती थी, जब उसके पास पहुंची तो वो शराबी निकला। उसने मेरा उपयोग करने के बाद मेरे साथ बहुत मारपीट की। जज ने हरिदास के पूरे परिवार को 7 वर्षों की कठोर कारावास की सजा दी। तुम दोनों लोग जिंदा कैसे हो गए? क्योंकि ईश्वर की मर्जी थी, फैसला लेने वाला वही है, हम तुम नहीं। यही कहा था तुमने मुझसे जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी। मुझे माफ कर दो मुरारी, मुझे अपने घर पर रख लो, मैं कहीं की नहीं रही, मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर रहूंगी। मुझे बस 2 वक्त का खाना दे देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धन संपत्ति में मेरी रुचि पहले ही नहीं थी और अब भी नहीं है। मैंने बस एक ही गलती की, मैंने बिना सोचे समझे अपने पिता की शर्त मान ली। मुरारी ने रचना के खिलाफ केस वापस ले लिया और उसे अपने घर में जगह दे दी। पुजारी और उसके तीनों बेटे जेल में पहुंचे। पूरे गांव में उनकी बहुत बदनामी हुई। अनंतपुर गांव में नरेंद्र नाम का एक आदमी था। नरेंद्र का गांव में एक ढाबा था। नरेंद्र ईमानदारी से अपना ढाबा चलाया करता था और जो भी खाना बच जाता था वो आसपास के कुत्तों को खिला देता था। एक दिन उसके ढाबे के बाहर एक बंदर आया। वो बंदर नरेंद्र के हाथ की रोटी देख रहा था। अरे तुझे भी रोटी खानी है? आजा 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 खा ले। नरेंद्र ने वो रोटी जमीन पे रखी और बंदर ने फट से रोटी उठा ली। अरे वाह। नरेंद्र ने कुछ और रोटी के टुकड़े जमीन पे रख दिए। बंदर ने उन्हें भी उठा लिए और वहां से चला गया। वो हर दिन शाम के समय नरेंद्र के ढाबे पे आता था। नरेंद्र उसे बची कुची रोटियां खिलाया करता था। आपने इस बंदर की आदत ना खराब कर दिया मालिक, ये रोज यहाँ आकर खड़ा हो जाता है और अब तो आप इसे अच्छी रोटियां भी खिला रहे हैं। अरे कोई बात नहीं अशोक, तेरे और मेरे परिवार की तरह इस बंदर का भी परिवार है जिसके लिए रोटी लेकर जाता है बस। अरे आपको कैसे पता चला मालिक? अगर ये अकेला होता तो यहीं सब खा लेता, पर ये सयाना है, रोटी ले जाता है। जितनी रोटी दोगे सब की सब ले जाता है, तो जरूर ये पहले अपने परिवार को खिलाता है और फिर खुद खाता है। हो सकता है। अब जा उसे भी रोटी दे दे, उस बेजुबान जानवर को 2 रोटी खिलाकर हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। अशोक ने बंदर के सामने 2 रोटी रख दी और वो रोटियां लेकर चला गया। ऐसे ही रोज चलता रहा। अब बंदर अपने बच्चों के साथ रोटियां लेने आया करता था। नरेंद्र अब उसे ज्यादा रोटियां देता था। नरेंद्र का ढाबा भी अच्छा चल रहा था, इसलिए उसने एक और लड़के को नौकरी पे रख ली।
मानिक। अशोक खाना पकाया करता था और मानिक खाना ग्राहकों तक पहुंचाया करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन नरेंद्र का एक्सीडेंट हुआ। एक टेम्पो ने उसे ठोकर मार दी। नरेंद्र का हॉस्पिटल में इलाज हुआ। उसकी जान तो बच गई पर उसके पांव काम नहीं कर रहे थे। अब वो अपाहिज हो चुका था। नरेंद्र की पत्नी सुधा ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। पता नहीं भगवान को हमारे साथ क्या परेशानी थी जो हमारे साथ ये सब अनर्थ कर दिया। अरे सुधा, भगवान का शुक्र करो कि कम से कम मैं जिंदा बच गया। पर आप कैसे जीवन जिएंगे? जैसे भगवान चाहेंगे वैसे जिएंगे। नरेंद्र हर बात में अच्छाई ढूंढ रहा था। भले ही उसका एक्सीडेंट हो गया, वो अपाहिज हो गया, पर फिर भी वो जिंदा था। वो इसी बात से खुश था। नरेंद्र के एक्सीडेंट के बाद ढाबा कई महीनों तक बंद रहा। नरेंद्र अपने घर पे ही रहता था। ऐसे कैसे चलेगा? मुझे वापस ढाबा शुरू करना ही पड़ेगा। पर अब आप ये सब अकेले कैसे करेंगे? अरे सुधा, मैं अकेला कहाँ हूँ, तुम हो ना मेरे साथ। हम दोनों मिलकर ढाबा खोल लेंगे वापस, क्यों? जी। नरेंद्र को कैसे भी करके अपनी परिस्थितियाँ बदलनी थी। अगली सुबह नरेंद्र और सुधा अपने ढाबे पे पहुँचे। ढाबा बहुत गंदा था। दोनों ने मिलकर साफ सफाई की। सुनिए, हमने ढाबे की सफाई तो कर दी, पर हम इसे चलाएंगे कैसे? देखो सुधा, मैं खाना पका लूंगा, तुम ग्राहकों तक पहुँचाना और टेबल वगैरह साफ कर लेना। अरे कुछ दिनों बाद जब थोड़े पैसे आ जाएंगे तब एक लड़के को काम पर रख लेंगे, और क्या? ठीक है जी। इसी सोच के साथ नरेंद्र ने वापस ढाबा स्टार्ट कर दिया। उसने भगवान की पूजा की और फिर चूल्हा जलाया। कुछ ही देर में कुछ ग्राहक आए। अरे वाह, बहुत दिनों बाद खुला है ढाबा है। पर जब ग्राहकों ने नरेंद्र के पैर देखे तो उन्हें उसके प्रति सहानुभूति होने लगी। अरे रे, सोचा नहीं था ऐसा कुछ हुआ होगा। खैर, अरे भाई, होनी को कौन टाल सकता है। आप मुझे एक लंच प्लेट दे दो। जी जी, अभी देता हूँ। नरेंद्र खाना परोसने लगा और फिर सुधा ग्राहकों को खाना देने लगी। उनकी गाड़ी जैसे तैसे चल पड़ी थी। पहले से कम ही सही, पर दोनों मिलकर पैसा कमा रहे थे। ऐसे ही कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। नरेंद्र जी ने उस बंदर को रोटी देना वापस शुरू किया। वो बंदर भी ढाबे पर रोज आने लगा। एक दिन सुधा की तबीयत बहुत खराब थी, वो फिर भी ढाबे पर जाने के लिए तैयार हो गई। अरे सुधा, तुम्हें तो बहुत बुखार है, तुम इस हालत में कैसे काम करोगी? तुम्हें आराम करना चाहिए। आज ढाबा मैं अकेले चला लूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन आप अकेले कैसे कर पाएंगे? चिंता मत करो, मैं कर लूंगा, तुम आराम करो आराम। जब से मैं अपाहिज हुआ हूँ तुम्हारा काम बहुत बढ़ गया है सुधा, आज एक दिन तो आराम कर लो। सुधा को आराम करना नहीं था, पर फिर भी नरेंद्र ने उसे घर पे आराम करने के लिए बोल दिया। नरेंद्र अकेले ढाबे पे गया। उसने ढाबा खोला। कुछ देर बाद ग्राहक आए। भाई को चाय देना। जी जी जी, अभी लाया। नरेंद्र खुद ही चाय बना रहा था और खुद ही बैसाखी के सहारे ग्राहकों को चाय देने लगा। ऐसे ही वो लंगड़ा लंगड़ा कर खाना परोसने लगा। रोज वाला बंदर उसकी ये मजबूरी देख रहा था। पता नहीं बंदर ने क्या सोचा। वो ढाबे के भीतर गया और उसने नरेंद्र के हाथों से खाना ले लिया और खुद ग्राहक तक ले गया। नरेंद्र हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बंदर ऐसा क्यों कर रहा है। बंदर वहीं जमीन पे बैठ गया। कुछ देर बाद कुछ ग्राहक और आए। भाई 3 लंच प्लेट देना। जी जी, अभी लाया। नरेंद्र लंच प्लेट भरने लगा और उसके भरते ही बंदर ने वो थाली उठा ली और उसे संभाल कर ग्राहक के टेबल तक ले आया। फिर बंदर दूसरी थाली लेने आया और फिर तीसरी। सारे ग्राहक हैरान थे। अरे भाई, ये तो सही है, पर आपके ढाबे पर बंदर काम करते हैं क्या? जी नहीं नहीं नहीं, बंदर काम नहीं करते, ये बंदर मेरी मदद कर रहा है। मैंने इसे रोटी खिलाई और ये बेचारा मेरी मदद के लिए काम कर रहा है। ओह अच्छा। पूरे दिन बंदर नरेंद्र के ढाबे में काम करता था। दोपहर को नरेंद्र ने बंदर को 3-4 रोटी दी।
रोटी लेकर बंदर भागने लगा। शायद अब ये वापस नहीं आएगा। पर नरेंद्र हैरान हो गया जब कुछ देर बाद बंदर वापस लौटा। अब उसके साथ दो बच्चे और उसकी पत्नी भी थी। बंदर ने बच्चों को पास वाले पेड़ पे छोड़ दिया और वो और उसकी पत्नी ढाबे के अंदर आके बैठ गए। और फिर जब भी ग्राहक का खाना बनता, बंदर और उसकी पत्नी दोनों ग्राहकों को खाना पहुंचाते और जूठे बर्तन भी वापस लाया करते थे। सुबह से शाम तक ये सिलसिला चलता रहा। शुक्रिया दोस्त। नरेंद्र ने बंदर के परिवार के लिए अच्छा खाना बनाया और बंदर और उसके बच्चों को खिलाया। उस दिन से रोज बंदर ढाबे पे खाना खाने आने लगा।